नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के ऊपर। इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जनरल नॉलेज के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं वो अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज पाना नेशनल पार्क लोकेटेड। पाना नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है उसमें लोकेटेड है पाना नेशनल पार्क। दुधवा डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन छत्तीसगढ़। दुधवा डैम जो है छत्तीसगढ़ में, वो कौन सी रिवर के अक्रॉस बना हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी रिवर। महानदी रिवर जो है उसके अक्रॉस बना हुआ है दुधवा डैम। और दुधवा डैम के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में है, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस दी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक WEO रिपोर्ट? तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश करी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको कि IMF के नाम से भी जाना जाता है, वो पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। द फोक डांस फुगदी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो फुगदी डांस जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा स्टेट जो है, जो कि इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है, उसमें जो डांस परफॉर्म किया जाता है वो है फुगदी। फुगदी जो है वो एक फेमस फोक डांस है गोवा का। तेलिन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तेलिन जो है ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल है तेलिन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मिगा? मिगा जो है MIGA, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाता है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है, जो कि कैपिटल है USA की, वहां पे लोकेटेड है मिगा का हेडक्वार्टर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो एक वर्ड आया है मिगा, तो मिगा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो मिगा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मिगा की फुल फॉर्म हो गई मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी USA में। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क इज इन विच स्टेट? तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बालपक्रम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों, बालपक्रम नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाता है मेघालय। मेघालय जो है वहां पे लोकेटेड है बालपक्रम नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल पार्क के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है अचनाकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनपरफेक्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? इनपरफेक्ट जो है वो किसकी बायोग्राफी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है इम्परफेक्ट। भट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? भट जो है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो हमारा आंसर हो जाता है थाईलैंड। थाईलैंड कंट्री जो है उसकी करेंसी है भट। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया कंट्री जो है उसकी करेंसी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाता है मलेशियन रिंगिट। मलेशियन रिंगिट जो है वो करेंसी है मलेशिया की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? तो दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाता है लंदन UK। लंदन जो है, जो कि कैपिटल है UK की, वहां पे लोकेटेड है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। पराग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? पराग कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर होगा जैक रिपब्लिक। जैक रिपब्लिक कंट्री जो है उसकी कैपिटल है पराग। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन लोकेटेड? तो दोस्तों, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट हंगरी। बुडापेस्ट जो कैपिटल है हंगरी की, वहां पे लोकेटेड है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर।
गोविंद सागर इज अ मैन मेड रिजर्वर सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो दोस्तों गोविंद सागर जो कि एक मैन मेड रिजर्वर है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है गोविंद सागर मैन मेड रिजर्वर। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी जो क्वेश्चन होंगे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी? सिडबी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहां पे लोकेटेड है सिडबी का हेडक्वार्टर। अगर आपसे सिडबी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। बगलीहर डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बगलीहर डैम जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पे लोकेटेड है बगलीहर डैम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा ब्रुसेल बेल्जियम। ब्रुसेल जो है जो कि एक जगह है बेल्जियम में, वहां पे लोकेटेड है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। इन विच स्टेट सोमासिला डैम लोकेटेड? सोमासिला डैम जो है वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है सोमासिला डैम। रेक जैविक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रेक जैविक जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड कंट्री की कैपिटल है रेक जैविक। चिनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन? चिनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा केरला। केरला स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है चिनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अजंता केव टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? अजंता केव टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है वो हर साल कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मार्च। हर साल 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो कौन सी रिवर के अक्रॉस सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है बद्रीनाथ टेम्पल। नोकरेक नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय स्टेट में लोकेटेड है नोकरेक नेशनल पार्क। लकवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लकवर डैम जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है लकवर डैम। गोल गुंबज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? गोल गुंबज जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में है गोल गुंबज। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो होता है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे। भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है भितरकनिका नेशनल पार्क। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी? ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस में लोकेटेड है ओईसीडी का हेडक्वार्टर। अब दोस्तों आपको ओईसीडी जो है उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो ओईसीडी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखनी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। मनीला, मनीला जो कि कैपिटल है फिलीपींस की, वहां पे लोकेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। दुलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? दुलीप ट्रॉफी जो होती है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट जो होता है उससे रिलेटेड होती है दुलीप ट्रॉफी। बोगीबेल ब्रिज इज ऑन विच रिवर? बोगीबेल ब्रिज जो है वो कौन सी रिवर पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उस पे लोकेटेड है बोगीबेल ब्रिज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? तो दोस्तों यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है
उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाता है पेरिस फ्रांस। पेरिस जो है जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे लोकेटेड है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और अगर आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म जो है आपको ये भी पता होनी चाहिए, और हेडक्वार्टर जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, हर साल इंटरनेशनल योगा डे जो होता है वो कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जून। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। कथक इज दी क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कथक जो है वो कौन सी स्टेट की क्लासिकल डांस फॉर्म है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है उसकी काफी इंपॉर्टेंट फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक। मनामा इज दी कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मनामा जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बहरीन। बहरीन जो है उसकी कैपिटल है मनामा। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो होता है वो हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। माधव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माधव नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है माधव नेशनल पार्क। सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री की कैपिटल है सेंटियागो? तो चाइल जो है चाइल की कैपिटल होती है सेंटियागो। तिबलिसी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तिबलिसी जो है वो कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री जो है उसकी कैपिटल है तबिलिसी। जिंदल थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जिंदल थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है वहां पे लोकेटेड है जिंदल थर्मल पावर प्लांट। वेन इज एमएसएमई डे सेलिब्रेटेड? एमएसएमई डे जो होता है वो हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 जून। हर साल 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एमएसएमई डे। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी जो है जो कि कैपिटल है यूएई की, वहां पे लोकेटेड है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? तो दोस्तों वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुंबलगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन, तो दोस्तों कुंबलगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है कुंबलगढ़ फोर्ट। कोयना डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोयना डैम जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकेटेड है कोयना डैम। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डैम्स के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दिया है डैम्स के ऊपर, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्री सेलम डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? श्री सेलम डैम जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट जो है वहां पे है श्री सेलम डैम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB लोकेटेड? AIIB जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजिंग चाइना। बीजिंग जो है जो कि एक जगह है चाइना में, वहां पे लोकेटेड है AIIB का हेडक्वार्टर। अब अगर AIIB की बात करी जाए तो AIIB की जो फुल फॉर्म होती है वो आपको पता होनी चाहिए। AIIB की फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।